मूवी शुरू होती है और हम मिलते हैं जिम से, जो केट को काम पर जाने से मना करता है, पर केट बोलती है वो ऐसा नहीं कर सकती है। केट फिर अपने कैंटीन ट्रिप के बारे में बताती है जहां वो इसी वीक जाने वाली है, पर उसका बॉयफ्रेंड जिम ये भूल चुका है। जिम इसके बाद बताता है कि उसके दोस्त को काम में उसकी कुछ हेल्प चाहिए, साथ ही वो बताता है कि इसमें जर्मन एड एजेंसी भी इन्वॉल्व्ड है जिसके कारण पैसे काफी ज्यादा अच्छे हैं। जिम अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसके लिए ये बेहद जरूरी है, जिससे उसकी जीएफ डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो बहुत रेयरली ही अब काम से ब्रेक लेती थी। कुछ देर बाद जिम एक एल्विन वायरस की एक न्यूज देखता है। उसमें डॉक्टर बताते हैं कि ये वायरस इतना खतरनाक है जिसके पोटेंशियल म्यूटेशन से सब बहुत चिंता में है। वो डॉक्टर आगे बताता है कि इसमें मौजूद डोमिनेंट पड़ा हुआ प्रोटीन चेन्स काफी ज्यादा रेबीज से सिमिलर है। ये डॉक्टर लोगों को आउटब्रेक को सीरियसली लेने को कहता है, जैसे कि मैं आप लोगों को ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को लेने को कहता हूं, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ के लिए वाकई में खतरा है। वहीं दूसरी तरफ जिम बालकनी से बाहर देखता है और छत पर एक बूढ़ी औरत उसे दिखती है, जिससे वो पूछता है क्या वो ठीक है। उसकी आवाज सुनते ही बूढ़ी उसकी तरफ घूमती है और जिम उसके कपड़ों को खून से लथपथ देखता है, और यहाँ हमें चीजें थोड़ी सस्पिशियस लगने लगती है। पीछे से वहाँ केट भी आ जाती है और जैसे ही एक पल के लिए वो अपनी नजर घुमाता है, वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। इसके बाद जिम अपने पड़ोसी मिस्टर लिन से बात करता है। जिम नोटिस करता है कि उसे ठंड लगी है और बोलता है कि उसे डॉक्टर ने बस घर में आराम करने को बोला है। इसके अलावा मिस्टर लिन उन लोगों जैसा होता है जो इस ज़ॉम्बी वायरस की तरह हॉक्स कहते हैं। इसके बाद जिम मिस्टर लिन को बाय कहता है और केट को ट्रेन स्टेशन ले जाता है। ट्रेन स्टेशन जाते हुए उनकी नजर एक इंसान पर पड़ती है जिसने किसी की जान ली होती है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर रही होती है। खैर दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं और जिम वहां प्रॉमिस करता है कि वो रात में केट के लिए डिनर बनाएगा। कुछ देर बाद जिम घर के लिए जा रहा होता है तो वो सेम पुलिस कार को देखता है। वो देखता है कि कार के सभी दरवाजे खुले हुए हैं और जो पुलिस उस इंसान को अरेस्ट कर रही थी वो पुलिस भी गायब हो चुकी है। इसके बाद जिम खाना खाने के लिए डिनर फर्स्ट जाता है, जहां वही छत वाली बूढ़ी लेडी होती है जो जलते हुए तेल को एक वेंडर पर डालने से पहले एक इंसान पर थूकती है। इसके बाद जिस कस्टमर पर उस लेडी ने थूका होता है वो अपने दोस्त को रेपिडेटली मारने लगता है, जिससे सब डर जाते हैं। ये सब देख जिम वहां से स्लोली पीछे हटने लगता है, लेकिन ओल्ड लेडी उसी की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी एक कार आकर उसे उड़ा देती है। लेकिन यहाँ भी एक चीज काफी स्ट्रेंज थी कि ये ड्राइवर भी बहुत वियर्ड था, बिल्कुल उसी लेडी की तरह। यहाँ थोड़ा देखकर क्लियर हो जाता है कि ये सभी लोग किसी वायरस से इन्फेक्टेड है। अब ये एल्बिन वायरस है या कुछ और, ये हमें आगे ही जानने को मिलेगा। तो चलो जानते हैं कि स्ट्रीट्स में ये लोग इतने स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों थूक पड़ने के कारण वो कस्टमर अपने दोस्त को रिपीटेडली मारने लगा, और आखिर क्या जिम भी मारा जाएगा। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा यमन बुद्धि बालक। अब जिम के पीछे वही इन्फेक्टेड लोग पड़ जाते हैं और वो काफी तेजी से वहां से भागता है। जल्द ही वो केट को कॉल लगाने से पहले अपार्टमेंट पहुंचकर खुद को लॉक कर लेता है। इसके बाद वो टीवी ऑन करके देख रहा होता है कि हर न्यूज चैनल पर सेम ही एडवाइजरी शो चल रहे हैं, मतलब कि एपोकलिप्स की शुरुआत हो चुकी है, पर ये एपोकलिप्स ज़ॉम्बीज की नहीं, कुछ उनसे भी खतरनाक की है। जल्द ही उसे बाहर के मेगाफोन में भी अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। अब ये सुनकर जिम केट को लेकर टेंशन में आ जाता है। अब इससे वो केट को मैसेज करता है एंड पूछता है कि वो कहाँ है, एंड जब वो टेक्स्ट कर रहा होता है कि वो किस हालात में है, तो वो इस इंसान पर ध्यान नहीं देता जो उसकी तरफ पीछे बालकनी से आ रहा होता है। हाँ, उसका पड़ोसी मिस्टर लिन अब वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। वो आते ही जिम पर गार्डनिंग सीजर से अटैक करता है और जिम उसे रोक भी लेता है, पर इस बीच उसकी दो उंगलियों की बलि चढ़ जाती है और बाद में ये मिस्टर लिन उसे टेस्ट भी करता है। अब जिम भी उसे मारता है, लेकिन उसे कोई फर्क ना पड़ने से उसे वो वहीं लॉक करके भाग जाता है। बाहर जाते ही उसे सब लोग ऐसे ही खून की नदियां बहाते दिखते हैं, क्योंकि किसी को भी कानून का डर नहीं है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि इनके ब्रेन में इन्हें ये चीजें नॉर्मल लग रही है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ज़ॉम्बी जैसे एक दूसरे को नहीं खाते। खैर अब जिम स्कूटी स्टार्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ वो एक पंगे में फंस जाता है, क्योंकि स्कूटी तो स्टार्ट नहीं होती पर ज़ॉम्बीज उसको स्टार्ट करते हुए देख लेते हैं और बस उसके पीछे काफी स्पीड से दौड़ने लगते हैं। अब आप खुद को इस सिचुएशन पर रख के इमेजिन करो कितना ज्यादा हॉरिफिक सिचुएशन होगा। खैर लकली स्कूटी स्टार्ट हो जाती है और वो बार बार बचता है। अब सीन केट पर स्विच होती है, जो वर्क करके ट्रेन से आ रही है, और वहां उससे एक बिजनेसमैन चेप होने लगता है, मतलब कि सुंदर की देखी नहीं और चांस मारना शुरू। खैर केट पहले तो भाव नहीं देती, पर उसको ज्यादा चेप होता देख वो क्लियर कर देती कि अंकल जी थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या। खैर इसके बाद वो उठकर साइड हो जाती है ताकि दोनों की इंट्रेक्शन ना हो, पर वही मेट्रो में कांड हो जाता है, क्योंकि इसके बाद एक लड़का ट्रेन में एंटर करता है जिसने स्पेक्स लगाए हुए थे। देखो इस वायरस का सिम्टम आंखों का लाल होना और आंसू आना है, तो इसकी बॉडी में वही दो सिम्टम्स दिखने लगते हैं जिसे ये हाइड कर रहा होता है। खैर आंसू के निकलते ही वो बंदा फुल रेज मोड में आ जाता है। तुरंत ही कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो कई लोगों की जान ले लेता है और लाशों को बिछा देता है।
अब इससे वहां मौजूद कुछ लोग इन्फेक्ट भी हो जाते हैं। अभी तक केट और उसकी फ्रेंड मॉली सेफ होती है, पर ज्यादा वक्त तक नहीं, क्योंकि वो बुढ़ा बिजनेसमैन मॉली की आंख में छाता घुसा देता है। और अब वो इससे पहले कि केट को अपना निशान बनाता उस पर कोई अटैक करता है, लेकिन वो बिजनेसमैन अब भी केट पर ही फोकस्ड किया रहता है। खैर दोनों ही वहां से जल्दी भागते हैं और केट का फोन वहीं ट्रेन में गिर जाता है, जिसमें जिम के मैसेज भी थे। अब इसके बाद दोनों ही टनल के रास्ते भाग रहे थे, पर वहां बिजनेसमैन भी आ जाता है और वो भी उसके पीछे लग जाता है। बीच में एक इंसान उनसे टकराता है जिसकी वो हेल्प लेती है, पर बिजनेसमैन उसका भी बहुत ब्रूटली से प्लास्टिक सर्जरी कर देता है, मतलब कि हथौड़े से मारकर उसका पूरा नक्शा बिगाड़ देता है। तब तक केट मॉली आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक गार्ड गेट बंद करता हुआ दिखता है जो कि बंद होने ही वाला था। वहीं उनके पीछे वो बिजनेसमैन भी पड़ा होता है, लेकिन अब केट बच पाएगी या नहीं, इसे जाने से पहले मैंने फिल्म से रिलेटेड एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपसे शेयर करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मुझे जो कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे वो मैं शेयर कर दिया करूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। अब बैक टू द टॉपिक। अब गेट तो बंद हो जाता है, पर किसी तरह केट और मॉली दोनों बचकर निकलते हैं और वो बिजनेसमैन अंदर ही बंद हो जाता है। लेकिन अब तुरंत निकलते हुए मोटा भाई और बाकी दोनों लोग एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इधर हमें जिम दिखता है जो स्कूटी से होते हुए रास्ते से निकल रहा है, और इसे रास्ते में हर जगह लाशों की ढेर दिखती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से अब इस शहर में खत्म हो चुका है। वहीं अब आगे जाते हुए जिम को कुछ बुली करते हुए लड़के दिखते हैं जो बहुत वायलेंटली एक लड़के पर अटैक कर रहे हैं। जिम वहां बाकी बुली कर रहे लड़कों को भगाकर इस लड़के को बचा लेता है, पर उल्टा वो इसी पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड होता है, और तुरंत ही बाकी बुली लड़के आकर जिम को ही पत्थर से मारकर भगा देते हैं। अब हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां मॉली केट पहुंचती है एंड मॉली इलाज के लिए जाती है। वहीं इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट टीवी पर शुरू हो जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट आकर बताते हैं कि ये एक नया वायरस आ चुका है जिससे 15-20% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है एंड इसमें एल्विन वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कि कुछ भी। खैर गर्मजोशी के साथ भाषण देने के बाद आर्मी जनरल भी भाषण देना शुरू करते हैं, लेकिन उसकी शक्ल पर ही डर साफ दिख रहा होता है एंड तुरंत ही उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं, मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड गेस व्हाट, वो बॉम्ब लेकर सीधा प्रेसिडेंट का फेस ही ब्लो कर देता है। तो अब जो सब सिटीजन को शांत करने के लिए आया था वो खुद हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अब टीवी पर ये क्रीपी सीन देखकर सब पगला जाते हैं, एकदम आपस में WWE मैच शुरू कर देते हैं। खैर अब सब वहां से भागने लगते हैं, पर गार्ड गन पॉइंट पर उन्हें पैनिक करने से रोकता है और बाहर जाने से भी, लेकिन इससे पहले कि बाहर से आ रहे खतरे को वो रोकता मनबुद्धि बीच में आकर आपको सब्सक्राइब करने को याद दिलाता है, क्योंकि जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं और वो भी सितंबर के एंड होने से पहले, तो यार कर दो ये माइलस्टोन कंप्लीट। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो बिजनेसमैन अब गार्ड को मारकर अंदर आ जाता है। बिजनेसमैन की नजर केट पर होती है, पर केट जल्दी से छिप जाती है। वहीं मोटा भाई मॉली की बाजू वाली बेड के नीचे छिप जाते हैं। वहीं बिजनेसमैन आता है और चूंकि मॉली के ट्रीटमेंट हुआ होता है तो वो मूव नहीं कर पाती, और यहाँ बहुत ही बहरहमी से मॉली के साथ अपने डीपेस्ट डिजायर को वो फुलफिल करता है। इधर केट मोटा भाई का फोन लेकर छिपी होती है, जिससे उसकी और जिम की बात हो जाती है। इसके बाद हमें जिम दिखता है जिसे सिर कटी लड़की जैसे विजुअल्स दिख रहे हैं और उसे आंसू भी आ रहे हैं। तो क्या जिम अब इन्फेक्टेड हो चुका है, तो ये हमें आगे जानने को मिलेगा। इसके बाद मोटा भाई बाहर निकलता है और देखता है कि सभी लोग हॉस्पिटल में एक दूसरे के साथ 69 कर रहे हैं, मतलब कि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग अपने सभी डीपेस्ट डिजायर फुलफिल कर रहे होते हैं, और साथ ही ये लोग रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जिससे ये जॉम्बी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। खैर अब मोटा भाई को भी बाकी जॉम्बीज पकड़ कर मार देते हैं। अब सीन स्विच होकर केट पर आती है जो छिपी हुई है, पर बिजनेसमैन को आता देख वो कॉरिडोर की गेट लगा देती है, लेकिन गेट हमारे क्रीपी बिजनेसमैन को नहीं रोक पाते और वो उसे पार करके केट को शिकार बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन केट फायर एक्सटिंग्यूशर को स्प्रे करके और फिर उसके हेड को क्रश करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। लेकिन तभी एक पीपी किट में डॉक्टर आकर उसे अंदर बुला लेता है और गन पॉइंट में उसे रखकर एक केमिकल शावर लेने को बोलता है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। अब मास्क हटाने पर हमें दिखता है कि ये शुरू वाला ही डॉक्टर है जिसकी प्रेडिक्शन अब सच हो चुकी है। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पता चलती है कि ये वायरस हमारे ब्रेन के उस हिस्से को इफेक्ट करता है जिससे लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल होता है, मतलब कि हमारे हाथ पैर और बाकी सारे एक्टिविटी करने वाले चीज, और हम उसके अकॉर्डिंग ही कंट्रोल होते हैं, मतलब कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, जिस वजह से रेप मर्डर और टॉर्चर बढ़ रहे हैं। खैर डॉक्टर पूरा ज्ञान बांट रहा होता है और केट अब शावर लेकर कपड़ों को डिस्पोज करने जाती है, पर डस्टबिन में उसे एक बेबी दिखता है जिसे डॉक्टर ने वहां फेंका था। अब तुरंत ही वो वायरस इंजेक्ट करके केट को सुला देता है ताकि अगर वो इम्यून हुई तो पता चल जाएगा और वो फिर केट को लेकर यहाँ से निकलेगा और क्योर बना लेगा। वैसे इसके बाद ये उस बेबी को भी मार देता है। ही फर्दर सेज कि ऐसा करने का रीजन उन्हें इस ब्रूटली मौत से बचाना था। खैर अब इतने में ही केट को होश आता है
और वो जिम को अपनी सभी अपडेट्स देती है। और यहाँ हमें जिम का बहुत वियर्ड लुक दिख रहा होता है, जो मैसेज पढ़ते ही फोन फेंक देता है। वहीं चूंकि केट वायरस इन्फेक्ट नहीं हुई तो डॉक्टर उसे लेकर निकल जाता है, और रास्ते में कुछ और इन्फेक्टेड बंदे भी मिल जाते हैं जो डॉक्टर का पैर काट देते हैं। डॉक्टर एक को तो मार देता है पर दूसरा उसकी पैर पे ही उल्टी कर देता है, इससे अब डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो जाएगा। खैर डॉक्टर अब उसे शूट करता है, और आगे बढ़ते हुए उसे जिम भी मिलता है जो कि अब डॉक्टर की तरफ एग्रेसिवली बढ़ रहा है। ये देख डॉक्टर उसे शूट करता है पर ये काफी नहीं होता है, और वो दोबारा उस पर गोली चलाता है पर इस बार गन बैकफायर्स हो जाती है। यहाँ जिम उसे मार देता है एंड डॉक्टर कन्फेसेस कि उसका डिजायर भी बच्चों को मारना ही था। खैर अब केट जिम को वहाँ लॉक करके भागते हुए छत पर जाती है, पर जिम यहाँ इमोशनल ड्रामा करते हुए उसे मरने की बात करता है, मतलब कि वो कहना कुछ चाह रहा है और हो कुछ और रहा है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है। इसके बाद केट दिखती है जो रो रही होती है पर हंसने लग जाती है, मतलब कि ये भी। खैर अब केट के ऊपर जाते ही मिलिट्री उसे शूट कर देते हैं, और इधर जिम भी मार जाता है, मतलब कि उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। और यहाँ ये स्प्लैटर मूवी खत्म जाती है। वैसे अगर आप यहाँ तक देख लियो और चाहते हो इसके वायरस पर डिटेल वीडियो बने तो कमेंट में एल्विन वायरस लिख देना, और अगर आपको एक बहुत फनी जॉम्बी फिल्म को देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।